Uh, let's uh, look at an example uh, of how we use this assignment method to assign tasks to different resources. this, uh, uh, let's say first uh, printing incorporated a company, who, uh, wants to find the minimum total cost assignment of three jobs uh, to three typesetters, three resources. this, uh, your data given, uh, आर थर्टी फोर जॉब है एस सिक्सटी सिक्स है टी फिफ्टी है और रिसोर्स जो हैं वो ए बी सी हैं और उनके रेलेटिव कॉस्ट उधर हमने इधर डेटा प्रोवाइड किया हुआ कॉस्ट का अब इसका जो तरीका है डैट इज़ बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि स्टेप वन इज़ के रोज में से आपने जो मिनिमम कॉस्ट वाली वैल्यू है उससे उस पूरी रो की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसी तरह हर रो के अंदर आपने करना है तो हमारे पास ये फिगर आ जाती है इसके अंदर हमने जो सब्ट्रैक्ट किया तो उसके अंदर हमारे पास एक जीरो यहाँ आ गया और एक ज़ीरो यहाँ आ गया ना नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने कॉलम uh, वाइज देखना है कि कॉलम वाइज मिनिमम कौन सी वैल्यूज़ हैं ए कॉलम के अंदर ये मिनिमम है जीरो बी के अंदर दिस टू इज मिनिमम और सी के अंदर ये जीरो इज अगेन मिनिमम तो अब हमने क्या करना है कि मिनिमम जो लोएस्ट वैल्यू है उससे हम वो सब्ट्रैक्ट करनी है बाकी वैल्यूज में से सो so, जीरो से हम सब्ट्रैक्ट जीरो को करें अगर फाइव में से और टू में से तो वही वैल्यू रह जाएगी तो ये तो सेम रह जाएगी इसी तरह सी वाली भी सेम रह जाएगी क्योंकि देर आर टू जीरोज और वो हम जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री में से बट बी के अंदर द लोएस्ट इज टू तो इसको जब हम यूज़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एट में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये सिक्स हो जाएगा टू में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये ज़ीरो हो जाएगा और फाइव में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये थ्री हो जाएगा तो ये जो नया हमारे पास मैट्रिक्स uh, आएगा

तो दो लाइन से हम कवर कर रहे हैं जबकि हमारे पास तीन कॉलम्स हैं तीन रोज हैं एटलीस्ट थ्री लाइन्स आनी चाहिए टू तो कवर जीरोस तो इसके अंदर वी विल गो टू बेसिकली थर्ड स्टेप सो इसके अंदर सेकेंड स्टेप ये है कि हमने ये लाइन्स ड्रॉ की और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि ये uh, दो हैं लाइन्स तो हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे नंबर थ्री में अच्छा इसके अंदर ये जो है दिस इज इंटरसेक्शन तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ हमारा वैल्यू जो है ये थ्री थी तो जब हमने ये थर्ड स्टेप के अंदर हमने जो अनकवर्ड नंबर्स हैं ये चार हैं इनमें स्मॉलेस्ट नंबर लेकर इन सब में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है तो यहाँ टू की जगह ज़ीरो हो जाएगा थ्री की जगह वन आ जाएगा सिक्स की जगह फोर और फाइव की जगह थ्री आ जाएगा बट अनदर स्टेप इज कि ये जो इंटरसेक्शन पे नंबर पड़ा हुआ है थ्री इसके अंदर इस टू को ऐड कर देंगे हम तो अब हमारे पास क्या आ गया थ्री जीरो जीरो क्योंकि टू माइनस टू इज जीरो तो वो आ गया फोर सिक्स में से टू निकला तो फोर जीरो वन और वो जीरो थ्री में टू ऐड हो गया तो वो ज़ीरो फाइव ज़ीरो आ गया तो ये हमने आ, इस लेवल पे हम पहुंच गए अब वी हैव टू सी कि ये जो रो ज़ीरोज़ को हम कवर करें तो वो क्या कितनी लाइंस बनती हैं तो इफ़ वी कैन सी इट टेक्स मिनिमम थ्री लाइंस टू कवर दी ज़ीरोज़ और इसके अंदर हमारी ये एक लाइन uh, ये बनी सेकंड जीरोज को कवर ये किया एंड थर्ड को हमने ये कवर कर लिया इसके अंदर बेसिकली इवन इफ यू गो बाय कॉलम वाइज फिर भी तीन लाइनें चाहिए क्योंकि ये जीरो को कवर करेगी तीन दूसरी लाइन तीसरी लाइन रोज वाइज चले तो फिर हमें तीन ही चाहिए तो अब हमने असाइन करना है टास्क टू डिफरेंट रिसोर्सेज़ ये हमारे पास तीन टास्क हैं और तीन रिसोर्सेज हैं हमने इधर असाइन करना है सो द वे इज कि हम लट से रो वाइज चलते हैं और हम देखते हैं कि कौन सी रो में सिर्फ एक प्लेस लोकेशन जो है वो जीरो है आर थर्टी फोर में सिर्फ एक जीरो है और जीरो जैसे मैंने बताया था कि ये ऑप्टिमम सोल्यूशन का पार्ट होता है दैट इज कि यह लोकेशन जो है ये ऑप्टीम सोलूशन में होगी दैट सेज के जी ये जो टास्क है यह सी को प्रोवाइड किया जाए सी को यह टास्क दे देंगे हम तो उस बेसिस के ऊपर यह हमारा जो है एक असाइन हो गया क्योंकि सी ये जो इस टास्क का कहीं और किसी और को असाइन नहीं हो सकता क्योंकि किसी और का जीरो नहीं है सो वी क्रॉस आउट रोज एंड कॉलम्स जो के जीरो जिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमने क्रॉस कर दिया अब हमने देखा कि बाकी हमारे पास ये तीन जीरो रेक ये रह गया है अब इसके अंदर अगेन वी विल लुक एट अन कवर्ड जो लोकेशंस हैं और उसके अंदर टी फिफ्टी के अंदर A का सिर्फ जीरो है लोकेशन और बी के नीचे वन है तो दैट मीन्स के ए को असाइन हम कर सकते हैं बी को करने के क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है जबकि एच सिक्सटी सिक्स में ए का भी जीरो है बी कभी जीरो तो इधर कंपटीशन होगा कि किस को असाइन करें तो बेहतर ये है कि जहाँ कंपटीशन नहीं है उसको पहले असाइन करें खुद ब खुद सोलूशन निकल आएगा सो तो हमने ए को टी फिफ्टी असाइन किया तो हमारा ये भी ख़त्म हो जाएगा एंड देन ये भी खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ B का जीरो रह जाएगा सो सेकेंड स्टेप में हमने T50 को आ, a को असाइन कर दिया और अब जो हमारे पास रह गया है वो एक वो क्या आ, टास्क रह गया है और एक ही रिसोर्स रह गई है तो S66 को हमने B को असाइन कर दिया सो दिस विल गिव अस मिनिमम कॉस्ट टास्क असाइनमेंट्स जो कि ये वर्कर्स परफॉर्म करेंगे और अगर हम देखें अपना ओरिजिनल टेबल कॉस्ट टेबल तो उस बेसिस के ऊपर ए की कॉस्ट नाइन डॉलर आ रही थी इधर बी की कॉस्ट टेन डॉलर्स थी और सी की कॉस्ट सिक्स डॉलर्स थी एंड दैट गिव्स अस द मिनिमम लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ट्वेंटी फाइव डॉलर्स बाय असाइनिंग दीज टास्क टू डीज रिसोर्सेज